अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। आज हम बात करेंगे बाजारों की चाल की। बाजारों की चाल में आज हम बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी की, कि आज शाम के कारोबार में किस कॉमोडिटी में तेजी या मंदी देखने को मिली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एग्री कॉमोडिटी की। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है मार्केट टाइम मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। नॉन एग्री कॉमोडिटी में आज हम बात करेंगे सबसे पहले सोने चांदी की। तो आज MCX पर सोना जून वायदा 50,970 के आसपास कारोबार कर रहा है, और वहीं MCX पर चांदी 61,850 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही। आज सोने चांदी के बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, तो रूपा जी आगे कैसा रहेगा सोने चांदी का बाजार? देखिए, अभी हल्की गिरावट आज इंट्राडे में जरूर देखने को मिली है, लेकिन सुबह मार्केट काफी अच्छी पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर भी अभी बहुत ज्यादा कोई गिरावट के आसार नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है 50,800 के आसपास, 51,200 तक आज इंट्राडे में हो सकता है कि अपसाइड देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति बनाकर चला जा सकता है जी। अगर हम बात करें अब कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के शुरू होने के बाद ही कच्चे तेल का भाव 139 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। आज क्रूड ऑयल MCX पर 9,480 पर कारोबार कर रहा है, वहीं कच्चे तेल का बाजार आगे कैसा देखने को मिलेगा रूपा जी? देखिए, कच्चे तेल में भी तेजी का ही रुझान है, और विदेशी बाजार $120 जो हम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर निकल चुके हैं। अब वहां से एक हल्की करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन करेक्शन के अंदर अभी भी जो रणनीति है वो तेजी की होनी चाहिए, क्योंकि 13 हफ्तों की ऊंचाई पर हम देख रहे हैं कि क्रूड का भाव पहुंच चुका है। और दरअसल अमेरिका में पेट्रोल की डिमांड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से कच्चे तेल में ये तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से कच्चा तेल $123 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया, जो कि 13 हफ्ते का सबसे ऊंचा स्तर है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तेजी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है, और अभी प्राइसेस जो हम एक्सपेक्ट करें कि $140 हो सकता है कि देखने को मिले। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में जो तेजी आई है वो डिमांड बढ़ने की वजह से और सप्लाई घटने के चलते देखने को मिली है, और वहीं चीन में भी अनलॉक हो चुका है, वहां से भी कच्चे तेल की मांग निकलती हुई दिखाई दी है। और इसी बीच चीन ने एक्सपोर्ट के ऊपर कैप भी हटाने का फैसला किया है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण अब ऐसा माना जा रहा है कि मांग और बढ़ेगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी। ना केवल कच्चा तेल बल्कि गैसोलीन की कीमतों में भी आगे तेजी देखने को मिल सकती है, नेचुरल गैस में भी अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर अभी फिलहाल तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये तेजी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। जी ने बताया कि एनर्जी सेक्टर में आगे अभी तेजी बनी रह सकती है, आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरब ने एशियाई देशों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने एक बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब ने जुलाई महीने के लिए एशियाई देशों के लिए जून की तुलना में $2.1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी की है। इससे एशिया देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ बता दें कि एशिया देशों के लिए बड़ी कच्ची तेल की कीमतों का भारत और चीन और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका के लिए कच्चे तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसका देश में कितना प्रभाव पड़ेगा रूपा जी? देखिए, अब जो ये कदम उठाया गया है इससे काफी कई देशों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एशियाई देशों के लिए तो डेफिनेटली जो है कीमत बढ़ चुकी है, जून के मुकाबले $2.1 प्रति बैरल जो है वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल इसका असर अब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी आता हुआ दिखाई देगा, और भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो फिलहाल इसका जो रुझान है वो पॉजिटिव बन सकता है, और इसका इंपैक्ट सभी कंट्रीज के ऊपर पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते कच्चे तेल में और उबाल आ सकता है। तो इसीलिए हम मान रहे हैं कि कच्चा तेल नीचे में, देखिए यहाँ से फिसलता भी है तो $118 से $112 नीचे में डाउनसाइड है, तो वहीं ऊपर की बात करें तो $128 से लेकर $140 की रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है।
पर जी अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस MCX पर 650 पर कारोबार कर रही है, तो रूपा जी आपको क्या लगता है नेचुरल गैस की कीमतें आगे कैसी रहेंगी? देखिए नेचुरल गैस में भी यहाँ से तेजी का रुझान है और यहाँ पर अभी मार्केट जो है थोड़ा करेक्शन में जरूर आया, आज अच्छी गिरावट थी लेकिन वो गिरावट अब यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। यहाँ से माना जा रहा है कि एक बार 620 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग बनाया जा सकता है और ऊपर में 680 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, अब बात करें बेस मेटल की, तो आज बेस मेटल का कारोबार लाल निशान पर कारोबार ये करता दिखाई दिया, तो रूपा जी बेस मेटल का बाजार आगे कैसा रहेगा, क्या लगता है क्या तेजी मंदी देखने को मिलेगी? देखिए बेस मेटल में भी रुझान पॉजिटिव है, करेक्शन बनी रह सकती है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। अभी कॉपर जो है नीचे में, एक बार हम मान रहे हैं कि 780 तक नीचे डाउनसाइड में जा सकता है, वहीं जिंक भी 228 तक जो है नीचे की लेवल जो है इसके बन सकते हैं, सॉरी 328 के बाद नीचे में 324 तक का स्तर जो है जिंक में भी आ सकता है, तो वहां पर एक सस्टेनेबिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में करेक्शन है और शाम के कारोबारी सत्र में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा करेक्शन बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी आज शाम के कारोबार में नॉन एग्री कमोडिटी में क्या करके चले? देखिए शाम के कारोबारी सत्र में मुझे लगता है कि अभी क्रूड के अंदर ही निचले स्तरों का वेट करना चाहिए। जब क्रूड नीचे आता है अगर 9400 के आसपास, 9420 के आसपास, तो वहां पर बाइंग लेकर के चला जा सकता है। तो ये तो हमने बात की नॉन एग्री की, अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटी की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्टर सीड की, तो आज कैस्टर सीड का जून वायदा 7482 पर कारोबार कर रहा है, तो रूपा जी आपको क्या लगता है कैस्टर सीड पे आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता? देखिए कैस्टर सीड की बात करें तो कैस्टर सीड में अभी करेक्शन एक्सपेक्टेड है और अभी एक्सपायरी भी बेहद करीब है, तो उसके चलते जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रेशर और बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो रेंज है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए 7600 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं आती जुलाई वायदा में, तब तक इसमें जो है 8000 का स्तर थोड़ा सा दूर लगता है, और अभी के लिए जो रेंज बनती दिखाई दे रही है वो 7480 से लेकर 7560 तक की रेंज फिलहाल बनी रह सकती है। जी कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, तो जहां कपास खली 2887 पर कारोबार कर रहा है, तो रूपा जी कपास खली का बाजार 3000 का स्तर कब तक छू पाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें हमें लगता है कि गिरावट बढ़ सकती है और गिरावट जो है वो नीचे में हमें आने वाले दिनों में 2700 तक के स्तर दिखा सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर डिमांड जो है वो काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि प्रेशर बना रह सकता है और प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। जी अब बात करें हम मसालों की, तो आज मसाले हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं, तो रूपा जी आपका क्या मानना है मसालों का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? मसालों की बात करें तो मसालों में रुझान मेरा पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आगे चलकर मसालों में अभी देखिए 15 दिन तक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिले या फिर थोड़ा सा सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और फंडामेंटल के चलते हम एक्सपेक्ट करें कि तेजी बन सकती है। हल्दी के अंदर भी अपसाइड मोमेंटम आ सकता है और हल्दी के साथ साथ धनिया और जीरा, ये दोनों कमोडिटीज के अंदर तेजी बनी रह सकती है। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि मसालों में धनिया और जीरे में आगे तेजी बनी रह सकती है, तो रूपा जी ग्वार गम और ग्वार सीड का जून वायदा तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, आपको क्या कुछ कहना है, क्या लगता है ग्वार गम में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए जहां तक ग्वार गम और ग्वार सीड्स की बात है, इसमें हम एक्सपेक्ट करें कि यहां से तेजी बन सकती है और प्राइजेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं, और अभी प्राइजेस जो है अगर हम बात करें सीड की और गम की, तो इसमें उछाल बना रह सकता है और गम जो है वो 12000 तक ऊपर जा सकती है, तो वही सीड भी 6100 से 6200 का स्तर छू सकती है, तो मेरे हिसाब से जुलाई वायदा में इसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। तो रूपा जी सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के MSP में 5 से 9% की बढ़ोतरी कर दी है, सरकार ने दलहन और तिलहन की MSP में सबसे अधिक इजाफा किया है और सबसे कम वृद्धि बाजारों की MSP में की गई है, तो इसका बाजारों पर कितना फर्क पड़ेगा?
देखिए खरीफ फसलों की एमएसपी जरूर बढ़ाई गई है। 17 ऐसी फसलें हैं जिनकी एमएसपी बढ़ा दी गई है और अभी इसका लक्ष्य जो है कि किसानों को जो ये प्राइसेस के अंदर काफी उठा पटक देखने को मिलती है उससे बचाने के लिए ये एमएसपी बढ़ाया गया और दूसरा फसलों की तरफ किसानों का रुझान बढ़े, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके इसके लिए ये जो है एमएसपी बढ़ाई गई है। दालों के ऊपर भी बढ़ाई गई है और मोटे अनाजों की भी हमने देखा है कि एमएसपी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो फिलहाल काफी पॉजिटिव है इसको लेकर मार्केट और अभी जो है एक अच्छा ये कदम कहेंगे कि हम सरकार का है किसानों के प्रति कि इन कमोडिटीज की जो है 17 ऐसी कमोडिटीज है जिसकी एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है और इसको आगे पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें खाद्य तेलों की तो इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर कर कटौती की घोषणा की है, इसका खाद्य तेल के बाजार पर असर देखने को मिलेगा। तो रूपा जी आपका क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए जहाँ तक खाद्य तेल की बात है, खाद्य तेल की कीमतें अभी फिलहाल जो है वो एक सीमित दायरे में हमने आती हुई देखी हैं और अभी जो है बाजार थोड़ा सा सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बना रह सकता है और अभी बाजार जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। रूपा जी अगर गेहूं की बात करें तो 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी, तब से गेहूं का निर्यात प्रभावित हुआ है। निर्यात पर रोक लगने से और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में भी तेजी आई है और सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार जल्द ही 12 लाख टन गेहूं के निर्यात को हरी झंडी दे सकता है। तो आपकी क्या कुछ राय है इस पे कि कीमतों में आगे कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए अभी गेहूं की कीमतों में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि गेहूं के प्राइसेस फिलहाल ऊपर बने रह सकते हैं और मार्केट के अंदर लगातार तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है और आगे चलकर भी उम्मीद यही अगर एक्सपोर्ट को हरी झंडी मिल जाती है तो वहां पर भी एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और अभी देखिए अगर जो एक्सपोर्ट लगाया गया, एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, इससे काफी नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि एकदम से जो लोग फार्मर्स हैं उन्होंने काफी हद तक अपना गेहूं जो है स्टॉक करके रखा था और काफी जो है लोगों का गेहूं जो है एक्सपोर्टर्स का वो बंदरगाहों पर भी फंसा हुआ है, यानी पोर्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त गेहूं वहां पर देखने को मिल रहा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार कुछ एक राहत दे सकती है और जो पोर्ट पर ऑलरेडी माल लगा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जा सकती है। तो इसके लिए पॉजिटिव है मार्केट और अभी भी जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसे में माना जा रहा है कि गेहूं की कीमतें तेजी की तरफ रह सकती है और अगर ऐसे ही बंदरगाहों पर माल पड़ा रहा और सरकार ने एक्सपोर्ट नहीं खोले तो अगर मानसून की बारिश हो गई तो फसल काफी ये क्रॉप जो है वो डैमेज हो सकती है और इसके चलते जो है प्राइजेस जो है वो फिर और बूस्टअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, डिमांड निकल रही है तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है मार्केट और आगे चलकर तेजी बन सकती है। जी तो जैसा कि रूपा जी ने कहा कि गेहूं में आगे आगे तेजी बन सकती है, मार्केट पॉजिटिव है। तो रूपा जी आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि किस एग्री कमोडिटी में मुनाफा मिलेगा और क्या करके आगे चला जा सके इसमें? देखिए मुझे लगता है कि बिनौला खल में बिकवाली कर देना चाहिए, बिनौला खल जो है यहाँ से और गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, जो जुलाई वायदा है वो नीचे में 2700 तक आ सकता है। जी तो रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजारों की चाल में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।